आईपीएल पर छाए संकट के बादल और गहरा गए हैं। स्पॉट फिक्सिंग मामले के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल मैचेस के खिलाफ पीआईएल लानी गई है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी, यानी आईपीएल के प्लेऑफ मैचेस पर फैसला आने तक संकट के ये बादल बने रहेंगे। जनहित याचिका में सीधे सीधे आईपीएल मैचेस पर ही सवाल उठाया गया है और उन्हें रोकने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर आज अपना फैसला सुनाने वाला है। ऐसे आपको बता दें कि आज पहला क्वालिफाइंग मैच भी खेला जाएगा दिल्ली में शाम 8 बजे, जिसमें जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल में जगह मिलेगी। इस सबके बीच जिन 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया था फिक्सिंग मामले में, आज उनकी पेशी भी होनी है क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है। और साथ ही साथ एक और पूर्व रणजी खिलाड़ी का नाम भी फिक्सिंग मामले में सामने आया है। इसके अलावा सूत्र अब ये भी बताते हैं कि ये नाम सिर्फ 4 तक सीमित नहीं होंगे, हो सकता है कई और खुलासे जांच आगे बढ़ने के बाद सामने आए। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता संजय शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, ये जो याचिका डाली गई थी, लोगों का गुस्सा एक तरफ था, फैंस बहुत नाराज थे, लेकिन ये जो मामला कोर्ट में सामने आया है, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की चीज हो सकती है कि वाकई बचे हुए मैचेस पर बैन लग जाए, वो ना हो पाए? जी हाँ, ये तो कोर्ट के विशेषाधिकार पर निर्भर करता है, लेकिन जो याचिका लगाई गई है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं या जो ग्राउंड्स हैं उनसे आम लोग तो जरूर सहमत होंगे कि जब से ये आईपीएल मैच शुरू हुआ है और इसमें ये साफ कहना है कि खिलाड़ियों को अपने देश के गौरव के लिए खेलना चाहिए, देश को का सम्मान बढ़ाने के लिए खेलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पैसे के लिए खेल हो रहा है। और जब शुरुआती उसमें साफ कहा गया कि जब शुरुआती नीलामी के जरिए होती है तो फिर खिलाड़ी खुलकर उस मामले में पैसे को अहमियत देते हैं और इसलिए इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं। लिहाजा इस पूरे मैच पे बैन लगाया जाए, आगे भी आईपीएल और इस तरह के फॉर्मेट में कोई भी मैच ना कराने का आदेश पारित करे अदालत। और साथ साथ ये भी कहा गया कि इस मामले में SIT बनाई जाए, जो बाकी बहुत अनसुलझे पहलू हैं या जहां तक पुलिस जांच दल का ध्यान नहीं गया है, उस बारे में एक SIT बनाई जाए जो इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन करे और जो दोषी लोग हैं उनको सजा दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो अब कोर्ट चाहे जो भी फैसला ले, लेकिन लोगों का गुस्सा, फैंस का गुस्सा इस PIL के जरिए जरूर सुप्रीम कोर्ट में सामने आ रहा है।